सॉल्व करेंगे एडवांस एक्सेल के क्वेश्चन। जैसे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, गो टू डायनेमिक लिस्ट शीट एंड क्रिएट ए डायनेमिक लिस्ट, स्टेट विल बी ऑटो अपडेटेड इन द कॉलम ए ऑफ योर टेबल, आल्सो सेट द सिटी कॉलम इन सच अ वे सो दैट यू कैन सिलेक्ट सिटी बाय डिपेंडिंग ऑन स्टेट नेम, डू नॉट पुट सिटी एंड स्टेट नेम बाय हैंड इन द टेबल, सिलेक्ट इट बाय यूजिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो सबसे पहले हम एक्सेल चलेंगे, ये हमारी डायनेमिक लिस्ट की शीट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ स्टेट दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़, दिल्ली और महाराष्ट्र। अब छत्तीसगढ़ में जो सिटी आती हैं उसकी लिस्ट हमको यहाँ दी गई है, उसी तरह दिल्ली में जो सिटी आती हैं उनकी लिस्ट यहाँ दी हुई है, उसी तरह महाराष्ट्र में जो सिटी आती है उनकी लिस्ट यहाँ दी हुई है। तो सबसे पहला काम, ये जो स्टेट है इस स्टेट को हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ कहीं पेस्ट कर लेते हैं। दूसरा, यहाँ पे हम चाहते हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे सिटी। अब क्वेश्चन का मतलब ये है कि यहाँ पे जब हम क्लिक करें तो ये सारे स्टेट यहाँ दिखाई दें, और जैसे अगर हम यहाँ दिल्ली लें तो यहाँ सिटी में हमको दिल्ली की सिटी यहाँ दिखाई दे, अगर हम यहाँ महाराष्ट्र लें तो यहाँ महाराष्ट्र में आने वाली जो भी सिटी है वो यहाँ दिखाई दे। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहला काम, हमको ये जितनी भी टेबल हैं इसको हमको कन्वर्ट करना होगा टेबल में। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और टेबल हमको मिलेगा इंसर्ट में। इंसर्ट में ये है टेबल, शॉर्टकट की इसकी होती है कंट्रोल प्लस टी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कंट्रोल प्लस टी इसकी शॉर्टकट की है, बस इसी बटन को क्लिक कर देना है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये टेबल आएगी क्रिएट टेबल की, इसमें माई टेबल एज हेडर इस ऑप्शन को चेक मार्क लगा के ओके कर देना है। तो ये हमारा डायनेमिक लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, टेबल ऑप्शन सिलेक्ट करने से टेबल हमारी डायनेमिक बन जाती है। इसी तरह से हमको सेकंड इस टेबल को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल टी या इंसर्ट में जाके टेबल पर क्लिक कर देंगे और माई टेबल एज हेडर इस ऑप्शन पर चेक मार्क लगा के ओके। इसी तरह ये वाले टेबल भी कंट्रोल टी, माय टेबल हैज हेडर ओके, और इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी दबा देंगे और माय टेबल हैज हेडर ओके। ये तो हमने अपनी सारी टेबल को टेबल में कन्वर्ट कर दिया। स्टेप नंबर सेकंड, अगेन ये सारी टेबल को ऐसे सिलेक्ट करना है और फॉर्मूला में जाके इन सब का हमको एक नाम डिफाइन करना है। तो हम लोग जाएंगे इस टेबल सेलेक्ट करने के बाद फार्मूला में और वहाँ ये ऑप्शन मिलेगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इस पर क्लिक करके ये जो हमारी टेबल है इसकी हेडिंग है स्टेट, तो हम इस टेबल को स्टेट के नाम से पहचानेंगे। तो जो हमारी हेडिंग है वो टॉप रो में है, तो टॉप रो पे चेक मार्क लगा के बस ओके कर देना है। इसी तरह इस टेबल का नाम हम लोग रखेंगे छत्तीसगढ़, जो कि टॉप में लिखा हुआ है, बस इस ऑप्शन पे चेक मार्क लगाना है और टॉप रो पे चेक मार्क लगा के ओके। इसी तरह दिल्ली और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, टॉप रो पे बस हमको देख लेना टॉप रो पे चेक मार्क लगा है कि नहीं लगा है, सेम यही काम यहाँ पे भी ओके। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि यहाँ पे जब हम क्लिक करें तो यहाँ पे ये सारे स्टेट की लिस्ट खुल के आए, इसके लिए हम डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पे जो हम वैलिडेशन लेंगे वो है लिस्ट, और यहाँ सोर्स में ये सारे स्टेट ले लेंगे। अब हेडिंग छोड़ के लेंगे जो स्टेट है हमारे बेसिकली वो, और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये सारे स्टेट खुल के आ रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन यही था कि अगर हम यहाँ दिल्ली लें तो यहाँ स्टेट में हमको दिल्ली में जो सिटी आती है वो यहाँ खुल के आए, इसके लिए हम अगेन यहीं जाएंगे डाटा वैलिडेशन में और यहाँ लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे एक फार्मूला चलाएंगे इनडायरेक्ट इक्वल टू इनडायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि सेल रेफरेंस लेना कौन सा है, तो हमको सेल रेफरेंस लेना है ये जो स्टेट हमने लिया है दिल्ली, इसको लेना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और ओके। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब जैसे यहाँ पे दिल्ली हमने लिया है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिल्ली की जो जो सिटी है वो यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। अगर हम स्टेट को चेंज करते हैं, सपोज़ हम यहाँ लेते हैं महाराष्ट्र, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में जो सिटी आ रही होंगी उनकी लिस्ट खुल जाएगी। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे. गो टू लुकअप 2016 शीट एंड लुकअप द वैल्यू ऑफ एप्पल एंड पियर्स ऑफ चाइना फॉर द ईयर 2013 फ्रॉम समरी शीट बाय यूजिंग सुटेबल फंक्शन. तो लुकअप वैल्यू 2016 शीट में हमको जाना है. ये है लुकअप वैल्यू शीट. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमको यहाँ पे यूएस डॉलर में एप्पल की प्रोडक्शन निकालनी है जो कि चाइना की. तो यहाँ समरी टेबल में हम चलते हैं. समरी टेबल में हमको ये पूरी टेबल दी हुई है. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है चाइना. चाइना का हमको 2013 का प्रोडक्शन एप्पल का और पियर का प्रोडक्शन हमको वहाँ पे अपडेट करना है. तो यहाँ पे हम चलाएंगे मैच इंडेक्स फंक्शन. बस मैच इंडेक्स फंक्शन में एक ही दिक्कत है कि चाइना तो ठीक है, चाइना हमारा यहाँ लिखा हुआ है इस रेंज में, लेकिन जो हमारा 2013 एप्पल और पियर लिखा है तो यहाँ पे टेबल में हम देख सकते हैं सिर्फ एप्पल लिखा है, 2013 नहीं लिखा है. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इंडेक्स मैच का फंक्शन चलाएंगे. इंडेक्स मैच का फंक्शन चलाने से पहले होम में हम रैप टेक्स्ट ऑन कर लेते हैं. ओके, इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन. अब जो हमारा एरे है, एरे हम किसको बोलते हैं, तो एरे जो हमको आंसर लाना होता है वही हमारा एरे होता है. तो हमारा एरे समरी वाली टेबल में है. ये होल इस कंप्लीट वैल्यू को हम बोलेंगे एरे. ये हमारा हो गया एरे. इस एरो को हम एब्सोल्यूट कर देंगे F4 से कॉमा. अब हम मैच चलाएंगे. हमको मैच कराना है बेसिकली चाइना, यहाँ पे चाइना और यहाँ पे 2013 एप्पल, ये मैच कराना है. तो सबसे पहले मैच में हम रो लेते हैं. रो में लुकअप वैल्यू हमारी है चाइना. तो चाइना जो जिसको हमको देखना है वो यहाँ पे है और इस सेल का हम रेफरेंस लेंगे. जब हम इस सेल का रेफरेंस लेंगे तो हमको ध्यान देना है कि हमको फॉर्मूला लगाने के बाद ये नीचे की तरफ भी ड्रैग करना है और आगे की तरफ भी ड्रैग करना है. तो हम इस चाइना को बिल्कुल कम्प्लीटली एब्सोल्यूट कर देते हैं F4 से. रो और कॉलम दोनों लॉक कॉमा. इस चाइना को हमको ढूंढना कहाँ है, इस चाइना को हमको लुकअप एरे हमारा यहाँ, यानी एक्सेल यहाँ से इस चाइना को खोजे. ये रेंज ले लेंगे, इस रेंज को भी एब्सोल्यूट कर देंगे कॉमा. मैच टाइप हमारा रहेगा जीरो, ब्रैकेट क्लोज कॉमा. अब हमको कॉलम मैच कराना है, यानी चाइना तो हमने यहाँ मैच करा लिया, अब हमको ये एप्पल 2013 इसको मैच कराना है. तो अगेन मैच चलाएंगे मैच. अब क्वेश्चन में एक छोटी सी दिक्कत है कि वहाँ सिर्फ एप्पल लिखा है, 2013 लिखा नहीं. तो 2013 हम मैन्युअली लिखेंगे यहाँ पे 2013 और एम्परसेंट का साइन लगाएंगे. दो टेक्स्ट को जोड़ने के लिए हम एम्परसेंट का साइन लगाते हैं और 2013 और एप्पल के बीच में स्पेस है. तो स्पेस देने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा कुछ इस तरह से लगाएंगे. अगेन जोड़ने के लिए एम्परसेंट और अब हम लुकअप वैल्यू लेंगे. तो हमको मैच कराना है बेसिकली एप्पल को, यानी हमारा वहाँ पे था एप्पल 2013 एप्पल. तो 2013 हमने ऑलरेडी लिख लिया है, अब एप्पल लेंगे. अब जब इस सेल का रेफरेंस लेंगे तो यहाँ हमें अगेन ख्याल रखना है कि इस सेल को हमको नीचे की तरफ भी ड्रैग करना है और आगे की तरफ भी. तो हम चाहते हैं कि ये नीचे जाए तो सेल रेफरेंस चेंज हो, लेकिन आगे की तरफ जाए तो ये सेल एड्रेस अपनी पोजिशन ना बदले. यानी हम एक रो नीचे जाएँ तो फिर ये एप्पल पियर्स को देखें, लेकिन आगे जाएँ आगे की तरफ ड्रैग करें तो ये एप्पल अपनी पोजिशन ना बदले. तो हमको कॉलम लॉक करना है, रो को लॉक नहीं करना है. तो F4 दबाते हैं और कॉलम लॉक करते हैं. ये यहाँ पे हम देख सकते हैं B के पहले हमारा लॉक लग गया, लेकिन 7 के पहले लॉक नहीं लगाना है ताकि हमारा रो अनलॉक रहे और कॉलम लॉक हो जाए कॉमा. अब हमारा टेबल एरे लुकअप एरे, सॉरी लुकअप एरे हमको 2013 एप्पल जो है इस टेबल में खोजना है. तो ये हमारा हो गया लुकअप एरे. इसको हम कम्प्लीटली एब्सोल्यूट कर देंगे और कॉमा जीरो, दो बार ब्रैकेट अंत में क्लोज. तो ये हमारा रिजल्ट निकल गया. अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और करनी है कि ये जो एप्पल का प्रोडक्शन है यूएस डॉलर में वो इतना है और यूएस डॉलर की कीमत है 950.
तो हम इसमें ये 950 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक बार अगेन इस फॉर्मूले में चलते हैं और इसके आगे इनटू, यहाँ से इनटू का साइन लगा लेंगे और इसमें ये 950 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो हमारी प्रोडक्शन है और यूएस डॉलर में जो उसकी कीमत है वो इतनी हो जाएगी। अब इस फॉर्मूले को एक बार नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो हमारा पीएस का प्रोडक्शन निकल आएगा, और एक बार यहाँ ड्रैग कर देंगे तो यूरो में हमारी डॉलर की कीमत निकल आएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। गो टू रेवेन्यू 2016 शीट एंड लुक अप द रैंक ऑफ एप्पल प्रोडक्शन एंड पीयर प्रोडक्शन बाय यूजिंग सुटेबल फंक्शन। हमको चलना है रेवेन्यू 2016 शीट पे। ओके, ये है रेवेन्यू वाली टेबल। अब हमको यहाँ पे निकालना है रैंक। ये जो रैंक हमको निकालना है ये बेसिकली रैंक हमारी ऊपर दी हुई है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ रैंक निकालने का जो तरीका है वो है, अगर कोई प्रोडक्शन 0 से 2000 तक हो तो उसको रैंक 4 मिले, 2000 से 4000 हो तो 3 रैंक मिले, और ये हमारी प्रोडक्शन है ये। ओके, तो इक्वल टू रैंक निकालने के लिए अगेन हम इंडेक्स मैच का फंक्शन चलाते हैं। इसको जब भी आप एक्सेल में फार्मूला चलाएं, जब आप देखें कि यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है तो आप इस सेल पे ये रैप टेक्स्ट इस फीचर को ऑन करा लें, इक्वल टू इंडेक्स। अब इंडेक्स में एरे, हमेशा याद रखिए इंडेक्स में एरे बोलते किसको है, तो इंडेक्स में एरे वही होता है जो हमको आंसर लाना होता है। तो यहाँ रैंक हमको बेसिकली ये 1 2 3 4 यही रैंक आंसर में लेके आना है, तो यही हमारा एरे कहलाएगा, ये हमारा एरे, और इस एरे को एब्सोल्यूट कर देंगे कॉमा। अब हमको मैच कराना है, बेसिकली मैच क्या कराना है, मैच कराना है हमको इस वैल्यू से ये, यही हमारी प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन को और ये हमारी प्रोडक्शन है, इससे मैच करा देना है। तो हम चलाएंगे मैच फंक्शन। ओके, मैच में लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमारा ये सेल है, इसी सेल को 830 यानी वो इसमें से किस में जाएगा इसी से मैच करा देंगे हम। तो अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब हमने इस सेल का रेफरेंस लिया तो हमको यहाँ रैंक नीचे की तरफ ट्रैक करना है, तो इसको हमको लॉक करने की ज़रूरत नहीं है कॉमा। लुकअप एरे क्या होगा, तो लुकअप एरे ये हमारा, क्योंकि इस 830 को इसी से मैच कराना है, तो ये हमारा हो गया लुकअप एरे। इसको एब्सोल्यूट करना ज़रूरी है क्योंकि हम नीचे की तरफ ड्रैग करें तो ये अपनी पोजीशन बिल्कुल भी ना बदले कॉमा। अब यहाँ पे हमको तीन ऑप्शन मिलते हैं, लेस देन, एग्जैक्ट मैच और ग्रेटर देन। तो हम देख सकते हैं 830 यहाँ पे कहीं है ही नहीं, तो एग्जैक्ट मैच तो हमारा बिल्कुल नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा हो गया रैंक फंक्शन, इसको हम ड्रैग कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा रैंक। जैसे कि 830 है, ये 830 जो है 0 से 2000 के बीच में प्रोडक्शन है, इसीलिए इसको क्या रैंक मिला, 4। इसी तरह ये सबका रैंक निकल गया है। जैसे ये हमारा सेकंड रैंक निकला है, 4200 की प्रोडक्शन है यानी 4000 से ऊपर है, इसीलिए इसको रैंक मिला 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, सॉरी 4 हो गया, आई थिंक नहीं 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, गो टू समरी शीट एंड हाईलाइट द कंट्री नेम इन येलो, फिल इफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ एप्पल एंड पीयर फॉर द ईयर 2012 टू 2015 इज इन बिटवीन 1000 टू 10000। क्वेश्चन है हमारा कि अगर हमारा एवरेज प्रोडक्शन 2012 से लेके 15 के बीच में अगर 1000 से बड़ा हो और 10000 से छोटा हो तो येलो कलर से कंट्री नेम फिल हो जाए। तो समरी शीट पे हम लोग को चलना है, तो ये है हमारी समरी शीट। ओके, हमको यहाँ पे इस सिटी को, ये कंट्री को सॉरी फिल करना है, कलर करना है। अगर 2012 से ले कर 2015 के बीच का जो एवरेज प्रोडक्शन है अगर वो 1000 से ज़्यादा हो और 10000 से, एक बार मैं फिर से देख लूँ कि 1000 और 10000 लिखा है, हाँ बिल्कुल 1000 और 10000 के बीच में। ओके, तो जिसको हमको कलर करना है उसी रेंज को हम सिलेक्ट करते हैं, तो हमको कंट्री नेम को ही कलर करना है, तो हम कंट्री नेम को ही सिलेक्ट करेंगे।
और कलर अगर लगाना है तो हमको जाना होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ हम लोग चलेंगे न्यू रूल में, हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा। यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। अब यहाँ पे शर्तें दो हैं, 1000 से ऊपर और 10000 से नीचे, यानी दो शर्तें हैं तो हमको एंड चलाना होगा, इक्वल टू एंड। और इन सब वैल्यू का हमको एवरेज निकालना है, तो हम लोग चलाएंगे एवरेज का फंक्शन, इक्वल टू एवरेज, और यहाँ पे ये रेंज ले लेंगे। और यहाँ पे एक छोटी सी बात का ख्याल रखना है कि ये जो हमने रेंज सिलेक्ट की तो ये एब्सोल्यूट हो गया, इसका ये जो एब्सोल्यूट है ये हटा देना है। ओके, तो हमारी पहली क्राइटेरिया थी कि अगर इस रेंज का 2012 से लेके 2015 तक का एवरेज, अगर बड़ा छोटा कुछ भी लेके चल सकते हैं, सपोज हमने लिया कि ग्रेटर देन अगर कितना हो 1000, ये हमारी पहली शर्त होगी, कॉमा। शर्त नंबर दूसरी है हमारी कि एवरेज, इसी रेंज का एवरेज, अगेन ये सेल ये रेंज ले लेंगे, इस सेल का एवरेज, और ध्यान से हमको डॉलर हटा देना है इसका, अगर क्या हो लेस देन 10000। ये हमारी दोनों क्राइटेरिया हमने बता दी। दो बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सॉरी एक बार, दो बार नहीं एक बार। तो ये हमारी क्राइटेरिया होगी कि एवरेज अगर 1000 से बड़ा हो, एवरेज अगर 10000 से छोटा हो, तो कलर लग जाए। तो फॉर्मेट में चलेंगे और कलर डिफाइन कर देंगे। हमको फिल करना था येलो कलर से, तो यहाँ येलो कलर ले लेंगे और ओके, इसको भी ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ कंट्री येलो कलर से फिल हो गई हैं। ये वो कंट्री हैं जिनका एवरेज 1000 से बड़ा है और 10000 से छोटा है। एक बार हम चेक करते हैं कि वाकई में इनका एवरेज 1000 से बड़ा और 10000 से छोटा है भी कि नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। AVE सिंपल एवरेज का फंक्शन चलाते हैं और हमको पता चल जाएगा कि वाकई में इनका एवरेज 1000 और 10000 के बीच में है या नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस अर्जेंटीना का जो एवरेज है वो 830 है, यानी 1000 और 10000 के बीच में नहीं आ रहा है। ओके, हमारा ये सेल फिल हुआ है तो इसका एवरेज 7000 है, यानी 1000 से बड़ा है और 10000 से छोटा है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। ओपन द डेटाबेस एंड कैलकुलेट डिस्काउंट एंड रेवेन्यू ऑफ सेल शीट बाय यूजिंग सूटेबल फंक्शन। और नीचे एक छोटा सा टिप लिखा हुआ है आपके लिए, डिस्काउंट रेट शुड बी कम फ्रॉम जोन वाइज डिस्काउंट डिटेल। ओके, डिस्काउंट वाली टेबल पे हमको चलना है, शायद आगे है डिस्काउंट वाली टेबल। ओके, यही हमारी डिस्काउंट वाली टेबल है। ओके, तो यहाँ पे हमको एक टेबल दिख रही है जहाँ पे डेट है, सेल रिप्रेजेंटेटिव है, प्रोडक्ट है, यूनिट है, और यहाँ हमको निकालना है डिस्काउंट और यहाँ निकालना है रेवेन्यू। और डिस्काउंट के बारे में टिप में लिखा हुआ था कि डिस्काउंट हमको यहाँ से इस टेबल से हमको लेके आना है, और ये जो डिस्काउंट है वो यूनिट के ऊपर बेस है, यानी कि यूनिट और रीजन के ऊपर बेस है। तो यहाँ पे हमको डिस्काउंट निकालने के लिए वी लुकअप का सहारा लेना पड़ेगा, और वी लुकअप के साथ साथ हमको एक और चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं ईस्ट के लिए ये एक अलग टेबल है, वेस्ट के लिए अलग टेबल है, नॉर्थ के लिए अलग टेबल है, और साउथ के लिए भी अलग टेबल है। तो हमको कुछ ऐसा फॉर्मूला चलाना पड़ेगा कि जब यहाँ पे हम डिस्काउंट लगाएं तो ये जो 4 यूनिट है, तो ये 4 यूनिट ईस्ट की है, तो जब हम वी लुकअप चलाएं तो सिर्फ ये ईस्ट को देखें। उसी तरह अगर यहाँ पे साउथ लिखा है तो ये जो 2 यूनिट है उसको यहाँ साउथ की यूनिट से कैच करें। तो इस काम को करने के लिए हमको इनडायरेक्ट फंक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट चलाने के लिए सबसे पहला काम हमको टेबल का नाम डिफाइन करना पड़ता है। तो सबसे पहला काम, इस रेंज को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और चलते हैं फॉर्मूला पे और डिफाइन नेम में, और इसका हम लोग नाम डिफाइन कर देंगे ईस्ट, और ओके। इसी तरह से ये वाली जो टेबल है इसका नाम डिफाइन कर देंगे हम लोग वेस्ट, फॉर्मूला में डिफाइन नेम और वेस्ट।
यहाँ ध्यान देना है कि जैसा वेस्ट यहाँ लिखा है वैसा ही वेस्ट आपको यहाँ पे लिखना है। उसी तरह से ये जो टेबल है इस टेबल का नाम हो जाएगा नॉर्थ, डिफाइन नेम, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नॉर्थ। ओके, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका भी नाम डिफाइन करेंगे इस टेबल का भी, और इसका नाम दे देंगे हम लोग साउथ। ओके, ये तो हमने इन सारी टेबल का नाम डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट निकालते हैं। डिस्काउंट निकालने के लिए इक्वल टू वी लुकअप, वी लुकअप यहाँ पे फिर हम लोग गलती कर रहे हैं। वी लुकअप चलाने से पहले या कोई भी फॉर्मूला जब भी हम चलाते हैं और उसके पहले अगर कोई डेटा है तो सबसे पहला काम होम में जाके और यहाँ पे जो रैप टेक्स्ट होता है इसको ऑन कर दें आज के लिए। इक्वल टू वी लुकअप, वी लुकअप में लुकअप वैल्यू, फिर लुकअप में लुकअप वैल्यू जो है हमारा यूनिट, इस यूनिट के हिसाब से ही हमको ये मैच कराना है। तो ये हमारा लुकअप वैल्यू हो जाएगा कॉमा। अब जो टेबल एरे है तो टेबल एरे हमारी टेबल कई सारी हैं, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो हम ये चाहते हैं कि जब हमारी टेबल की बात हो तो अपने आप एग्जैक्टली इस सेल को देख करके अपना वो टेबल एरे पकड़ लें। तो यहाँ पर हम लोग चलाएँगे इनडायरेक्ट फंक्शन, इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन और फ्रंट टेक्स्ट जो रहेगा वो ईस्ट, यानी कि इसके हिसाब से देखें टेबल एरे। जब भी देखें अगर ईस्ट लिखा है यहाँ पे तो इसको देखें, अगर साउथ लिखा है तो जो साउथ वाली टेबल है उसको देखें। ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अब एक्सेल पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमारी जितनी भी टेबल है डिस्काउंट जो लिखा है वो हमारी टेबल कॉलम नंबर टू में लिखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू और कॉमा। अब हमारा एग्जैक्ट मैच है कि अप्रॉक्स, तो फोर अगर हम देखें तो फोर कहीं लिखा ही नहीं है, कहीं लिखा है कहीं नहीं लिखा, तो हमारा ये अप्रॉक्स मैच है। तो यहाँ हम वन लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर, ये हमारा निकल गया डिस्काउंट, चेक करा देंगे। अब डिस्काउंट हम लोग देख रहे हैं ये परसेंटेज में नहीं है, इसको परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। परसेंटेज में चेंज करने के लिए होम में जाइएगा और यहाँ परसेंट का बटन है, बस उस बटन को दबा देंगे। अब ये हमारा डिस्काउंट परसेंटेज में शो होने लगा। अब हमको निकालना है रेवेन्यू। रेवेन्यू निकालने के लिए ये जो हमारी टेबल है, इस टेबल में हम देख सकते हैं कि ये कोई प्रोडक्ट है नेस्ले एरोमेंट्स, और ये इसकी यूनिट है, और इस पर हमको डिस्काउंट मिलना है, सपोज 0% मिलना है, और यहाँ पर हमको निकालना है रेवेन्यू। तो इसकी जो प्राइस है वो यहाँ बगल वाली टेबल में दी हुई है। ओके, जैसे नेस्ले किटकैट ये सारे प्रोडक्ट की यहाँ प्राइस दी हुई है, तो हमको यहाँ पे रेवेन्यू निकालना है। तो रेवेन्यू निकालने के लिए फार्मूला सिंपल सा है, क्वांटिटी इनटू रेट, और माइनस जो भी उस पर डिस्काउंट हो वो डिस्काउंट माइनस हो जाए। तो हमारा जो प्राइस है वो बगल वाली टेबल में है, यानी नेस्ले एरो मिंट जो है प्रोडक्ट, इसकी जो प्राइस है बेसिकली वो ये है नेस्ले एरोमेंट पॉट्स, इसकी प्राइस है 85। तो यहाँ पे रेवेन्यू निकालने के लिए 4 × 85 और माइनस करना होगा हमको ये जो उस पर 0% डिस्काउंट है वो हमको माइनस करना होगा। तो यहाँ पे हमको अगेन छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इक्वल टू, और यहाँ पे पहले हमको क्वांटिटी इनटू रेट निकालना पड़ेगा और फिर उसमें से माइनस करना होगा डिस्काउंट को। तो ये है क्वांटिटी हमारी, इसमें इंटू करेंगे, और रेट हमारा उस टेबल में है, तो रेट को यहाँ लाने के लिए हम लोग वी लुकअप चलाएंगे, वी लुकअप। अब वी लुकअप चलाते समय लुकअप वैल्यू जो है तो वहाँ पे जो आइटम की प्राइस दी हुई है वो प्रोडक्ट के हिसाब से दी है, तो यही हमारा लुकअप वैल्यू हो जाएगा। कॉमा, टेबल एरे हमारा जो है वो इस टेबल में है, ये हमारा टेबल एरे है, और इसको हम याद से एब्सोल्यूट कर देंगे। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहाँ प्राइस जो है कॉलम नंबर टू में लिखा हुआ है, और कॉमा एग्जैक्ट मैच है इसीलिए ज़ीरो लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया क्वांटिटी इनटू रेट। अब इसमें से
क्वांटिटी इनटू रेट में से हमको यहाँ पे माइनस करना है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, तो डिस्काउंट निकालने के लिए अगेन हमको सेल में चलते हैं। डिस्काउंट निकालने के लिए अगेन क्वांटिटी और इसमें इनटू करना होगा रेट को। अब रेट निकालने के लिए अगेन हमको वी लुकअप चलाना पड़ेगा। अगेन वी लुकअप चलाते हैं, लुकअप वैल्यू हमारा ये प्रोडक्ट हो जाएगा कॉमा टेबल एरे। इस टेबल में ये पूरी टेबल, ये हमारी टेबल एरे है, इसको एब्सोल्यूट करना ना भूलें। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर टू, प्राइस हमारा दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है और कॉमा एग्जैक्ट मैच है इसलिए जीरो। तो डिस्काउंट निकालने के लिए क्वांटिटी इनटू वी लुकअप से हमने रेट निकाल लिया और फिर से इनटू करेंगे जो डिस्काउंट का परसेंटेज है। तो इनटू डिस्काउंट हमारा यहाँ पे हमको दिया ही गया है, ये है डिस्काउंट का कॉलम एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा पूरा रेवेन्यू का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। एंटर प्रेस करेंगे और ये हमारा निकल गया रेवेन्यू, ट्रैक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। गो टू द डाटा टेबल शीट एंड कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट एंड टोटल प्रॉफिट। नाउ कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ यूनिट सोल्ड एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हमको चलना है डाटा टेबल में। ये हमारी डाटा टेबल की शीट है। डाटा टेबल में सबसे पहले हमको यहाँ निकालना है टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू हमारा है, जैसे हमने यूनिट सोल्ड की है 9000, सेलिंग प्राइस है उसकी 100। तो टोटल रेवेन्यू दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा, तो 9000 इंटू 100। तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू है। और टोटल कॉस्ट हम कैसे पता करेंगे, तो टोटल कॉस्ट पता करने के लिए ये हमको दी हुई है फिक्स्ड कॉस्ट और ये है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और हमारी यूनिट सोल्ड हुई है 900। तो वेरिएबल कॉस्ट 9000 यूनिट को बनाने के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट लगी है वो 50 पर पीस, और उस पर जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो ये है। तो टोटल कॉस्ट हम लोग, ये हमारी यूनिट सोल्ड है 9000, इस यूनिट को बनाने के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो 50 थी। ओके, ब्रैकेट ओपन करना भूल गए हम लोग, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस इसमें हम लोग जोड़ देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये हमारा निकल गया टोटल कॉस्ट, यानी कि हमको ये आइटम जो 9000 की यूनिट हमने सोल्ड की है उसको बनाने में 8.5 लाख रुपए लगे थे, और उस पर जो हमने बेचा तो हमको 9 लाख की रेवेन्यू प्राप्त हुई। अब हमारा प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट सिंपल है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे। तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू है, इसमें से माइनस कर देंगे, सॉरी दो बार माइनस कर दिए, टोटल कॉस्ट। तो हमारा प्रॉफिट हो गया 50,000 का। अब यहाँ पे हमको डाटा टेबल के थ्रू इस पूरी टेबल को मेंटेन करना है। ये हमारा दिया हुआ है कि हमने कितनी डाटा टेबल मेंटेन करने के लिए हमको सबसे पहले ये जो प्रॉफिट निकला है इस प्रॉफिट को यहाँ पे हमको लाना होगा। तो यहाँ पे लाने के लिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे और ये जो फार्मूला है वो यहाँ पे बस सेल का रेफरेंस लेके एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ हमारा प्रॉफिट निकल आया। अब इस पूरी टेबल को हम एक बार सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे डाटा में, यहीं पे हमको ऑप्शन मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस, और यहीं पे हमको ऑप्शन मिलेगा डाटा टेबल का। डाटा टेबल में आपसे दो बातें पूछेगा, रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। यहाँ पे ध्यान देना है हमको कि ये जो 90, 100, 110 ये जो लिखा है ये रो में लिखा है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमको देखना है कि ये 90, 100 जो वैल्यू लिखी हुई है वो है क्या चीज़। तो ये 90, 100 बेसिकली सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस हमारा रो में लिखा है, तो रो का जो रेफरेंस है वो हम यहाँ ले लेंगे, यानी ये 100 यहाँ ले लेंगे रो इनपुट सेल में। कॉलम में हमारा ये लिखा है 9000, 9500, तो ये हमारा यूनिट सोल्ड है, तो इसका रेफरेंस हम कॉलम में ले लेंगे और ओके कर देंगे।
कि हमारा डाटा टेबल अपडेट हो गया। सपोज हमने 9100 के हिसाब से बेचा था, ये 9000 है, 100 के हिसाब से प्रॉफिट होता है 50000, जो कि हमारा यहाँ पे निकला भी था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7, गो टू ईएमआई शीट एंड कैलकुलेट पीएमटी पीपीएमटी आईपीएमटी कम्युलेटिव प्रिंसिपल प्रिंसिपल लेफ्ट फ्रॉम लोन डिटेल बाय यूजिंग सुटेबल फार्मूला। तो हमारा जो नेक्स्ट शीट है वो हमको जाना है ईएमआई शीट पे। तो ये हमारी ईएमआई शीट है। ओके, यहाँ पे हमको कई इन्फॉर्मेशन दिख रही है। बेसिकली ये हमारी ईएमआई शीट है। ईएमआई शीट पे जैसे हमको यहाँ पे दिख रहा है कि हमको पीएमटी निकालना है, आईपीएमटी पीपीएमटी कम्युलेटिव प्रिंसिपल और प्रिंसिपल लेफ्ट, ये हमको निकालना है। और यहाँ पे हमको लोन अमाउंट दिया है 50000। तो सपोज़ ये हमारी ईएमआई शीट वाली टेबल है। इस टेबल में हमको लोन अमाउंट दिया 50000, इंटरेस्ट रेट है 16% और टर्म है 4 ईयर्स। तो यहाँ पे हमको पीएमटी आईपीएमटी पीपीएमटी कम्युलेटिव प्रिंसिपल और प्रिंसिपल लेफ्ट ये सब कुछ निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम पीएमटी निकालते हैं। तो इक्वल टू पीएमटी, पीएमटी में जो रेट है हमारा, तो रेट हमारा ये है। अब हमको सेल का रेफरेंस लेना है। सेल का रेफरेंस अगर लेते हैं हम, तो हमको इसको लॉक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के हम इसको ड्रैग करने वाले हैं। तो इसको पूरा लॉक कर देंगे F4 से। अब क्योंकि हमको मंथली पीएमटी निकालना है, इसलिए डिवाइडेड बाय 12 कॉमा नंबर ऑफ पीरियड है हमारा 4। तो हम जब इस सेल का रेफरेंस लेंगे तो इसको लॉक करना ज़रूरी है F4, और मंथली है इसलिए इनटू 12 कॉमा पीवी माइनस लगा के लिखते हैं माइनस 50000। इस सेल को भी हमको लॉक करना होगा, और एफ भी कुछ नहीं है कॉमा 0। तो ये हमारा हो गया पीएमटी। नेक्स्ट हमको निकालना है इक्वल टू आईपीएमटी ब्रैकेट ओपन, अब रेट है हमारा 16%, लॉक कर देंगे इसको सेल को, डिवाइडेड बाय 12 कॉमा पर हमारा हो जाएगा फर्स्ट मंथ कॉमा नंबर ऑफ पीरियड 4, एब्सोल्यूट कर देंगे इस सेल को, इनटू 12 कॉमा पीवी माइनस के साथ लिखते हैं माइनस 30000, इसको भी एब्सोल्यूट, और एफवी डबल कॉमा 0। तो ये हमारा हो गया आईपीएमटी। इसी तरह से पीपीएमटी निकाल लेंगे हम लोग, इक्वल टू पीपीएमटी ब्रैकेट ओपन, रेट हमारा 16%, एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय 12 कॉमा पर वन मंथ कॉमा नंबर ऑफ पीरियड है हमारा ये वाला सेल, इसको एब्सोल्यूट इनटू 12 कॉमा पीवी माइनस ये सेल ले लेंगे और इसको एब्सोल्यूट कर देंगे कॉमा एफवी कुछ नहीं है और टाइप 0 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा निकल गया पीपीएमटी। अब कम्युलेटिव प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? तो अब तक जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट जमा किया, जैसे फर्स्ट मंथ में हमने 750 पीएमटी जमा कर दिया है, यही हमारा कम्युलेटिव प्रिंसिपल होगा। तो यहाँ पे इक्वल टू इसी सेल को ले लेंगे, ये हमारा कम्युलेटिव प्रिंसिपल। प्रिंसिपल लेफ्ट क्या होगा? तो इक्वल टू जितना प्रिंसिपल हमने अब तक जमा कर दिया, प्रिंसिपल अमाउंट जितना हमने जमा कर दिया, तो ये हमारा टोटल प्रिंसिपल है। इसमें से इसको लॉक कर देंगे हम लोग और माइनस कर देंगे कम्युलेटिव प्रिंसिपल, यानी अपना अब तक हमने इतना प्रिंसिपल अमाउंट जमा कर दिए हैं, ये हमारा प्रिंसिपल लेफ्ट जो बचा है जमा करने के बाद। और एक बार इसको सिर्फ एक रो तक ड्रैग करेंगे, और यहाँ पे हमको फॉर्मूले में थोड़ी सी छोटी सी चेंजिंग कर देनी है, बाकी सब सही है हमारा। ये जो कम्युलेटिव प्रिंसिपल है, अब जैसे हमने फर्स्ट मंथ में 750 जमा कर दिया था, नेक्स्ट मंथ में अगेन हमने 760 जमा किया, तो अब कम्युलेटिव प्रिंसिपल ये दोनों जोड़ के होना चाहिए। तो यहाँ फॉर्मूला जो हम सही कर लेंगे, इक्वल टू टोटल कम्युलेटिव प्रिंसिपल हो जाएगा जो अब तक हमने जमा किया है, और प्लस
जो इस महीने हमने जमा किया, ये दोनों को जोड़ देंगे। और यहाँ पे ओके, यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही है। ये 50,000 में से अगर 1,510 रुपया अगर हम जमा कर चुके हैं तो अब तो हमारे पास इतना बचेगा। और इसको पूरी फील्ड को हम सिलेक्ट करेंगे और अब ड्रैग कर देंगे, ये हमारी टेबल अपडेट हो जाएगी। सबसे नीचे जब हम सारा पीएमटी जमा कर देंगे, सारा पीपीएमटी, तो अंत में हमारा आंसर आ जाना चाहिए 50,000। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा टोटल 50,000 का लोन था वो यहाँ पे क्लियर हो गया और प्रिंसिपल लेफ्ट अब कुछ नहीं बचा है, यानी हमने सारा लोन क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। गो टू इंटरेस्ट शीट देन कैलकुलेट द मंथली पेमेंट इन सेल बी 4 देन कैलकुलेट मंथली पेमेंट फॉर द गिवन लोन अमाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सेल रेंज E1 से E17। इंटरेस्ट शीट पे हमको नेक्स्ट चलना है तो यहाँ चलते हैं, और बगल में ही हमारी इंटरेस्ट शीट है और यहाँ पे हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जैसे हमको दिया हुआ है लोन अमाउंट 50,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर 5% और नंबर ऑफ ईयर है 30, और हमको निकालना है मंथली पेमेंट यानी PMT। और फिर हमको ये डाटा टेबल इस पर इसको अपडेट कर देना है कि अगर हम 40,000 रुपये का लोन ले 2.5% के हिसाब से तो हमारी EMI क्या बनेगी, उसी तरह अगर हम इतने का लोन ले तो 3% के हिसाब से क्या EMI बनेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे PMT निकाल लेंगे, इक्वल टू PMT। PMT में रेट हमारा है 5%, सेल का रेफरेंस लेंगे और एब्सोल्यूट कर देंगे इस सेल को, और डिवाइड, क्योंकि मंथली निकालना है इसलिए डिवाइडेड बाय 12 कॉमा नंबर ऑफ पीरियड हमारा 30 ईयर्स, तो 30 और इसको एब्सोल्यूट कर देंगे 4 इंटू 12 कॉमा PV माइनस लगा के लिखते हैं तो माइनस 5 लाख, और PV के बाद है इसको एब्सोल्यूट नहीं किया हम लोगों ने, F4 करके एब्सोल्यूट जरूर कर लेंगे नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, और FV है हमारा कुछ नहीं तो एक कॉमा और लगा देंगे और टाइप हमारा हो जाएगा 0। तो ये हमारा निकल गया PMT। अब ये वाला जो सेल हम देख रहे हैं इसी में ये जो PMT है यहाँ पे हम इसका रेफरेंस ले लेंगे इक्वल टू ये वाला सेल और एंटर। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि रो में क्या चीज़ लिखी है, क्योंकि डाटा टेबल बनाते समय रो कॉलम का ख्याल रखना है। तो जो हमारा रेट दिया हुआ है वो रो में है और जो हमारा लोन अमाउंट है वो कॉलम में है, तो इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और चलेंगे डाटा में, व्हाट इफ एनालिसिस में, यहीं पे हमको मिलेगा डाटा टेबल। तो यहाँ रो इनपुट सेल पूछ रहा है तो रो में हमारा लिखा हुआ है रेट, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस सेल का रेफरेंस ले लेंगे। उसी तरह कॉलम में हमारा लिखा हुआ है लोन अमाउंट 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, तो यहाँ पे लोन अमाउंट हमारा ये वाला सेल है, इस सेल का रेफरेंस ले लेंगे क्योंकि इसी सेल को बेस करके ये आंसर निकला है। ओके कर देंगे और ये हमारा लोन अमाउंट PMT अपडेट हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th। गो टू अर्निंग टेबल एंड कैलकुलेट अर्निंग अमाउंट एंड अपडेट अर्निंग टेबल बाय यूजिंग डाटा टेबल। अगेन एक क्वेश्चन है डाटा टेबल का, अर्निंग वाली टेबल में। ओके, सपोज हमारी ये अर्निंग टेबल है, डेली अर्निंग है 200 और ओवर टाइम उस पर मिलता है 60 रुपया, और मंथली जो प्रेजेंट हुई है वो है 26 दिन की, और हमको पता करना है कि टोटल अर्निंग कितनी हुई। तो टोटल अर्निंग निकालने के लिए इक्वल टू ब्रैकेट ओपन है, पहले हम लोग निकालेंगे डेली अर्निंग कितनी हुई, उसमें ओवर टाइम प्लस कर देंगे। तो डेली अर्निंग निकालने के लिए डेली अर्निंग का जो रेट है वो है 200 और इंटू 26 दिन, अगर वो प्रेजेंट हुए हैं तो 26 दिन का 200 के हिसाब से उनको मिलना चाहिए, और उसमें ओवर टाइम जितना भी किए हैं वो हम जोड़ देंगे यानी प्लस।
ये हमारा जो ओवर टाइम है वो ले लेंगे। तो टोटल अर्निंग हो गई 5260। ये 5260 जो है इसका सेल रेफरेंस यहाँ पे ले लेंगे, एंटर। अब हमको यहाँ पे पता करना है, फिर भाई हमको वही बात का ख्याल रखना है कि ये 150-200 क्या चीज़ दिया हुआ। तो ये 150-200 डेली अर्निंग दी हुई है, यानी जो डेली अर्निंग है वो हमको रो में दिया हुआ है और जो ओवर टाइम है वो कॉलम में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हम डाटा टेबल में जाएंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे टेबल को और जाएंगे डाटा टेबल। व्हाट इफ एनालिसिस में हमको मिलेगा डाटा टेबल। अब रो इनपुट और कॉलम इनपुट पूछ रहा है, तो रो में हमारा लिखा हुआ है 150 और 200, ये है डेली अर्निंग, तो इस सेल का रेफरेंस लेंगे। और जो हमको कॉलम में दिया हुआ है वो है ओवर टाइम, तो इस सेल का रेफरेंस लेंगे। तो ये हर अर्निंग के हिसाब से और ओवर टाइम के हिसाब से हमारा डेली टोटल अर्निंग निकल गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है, गो टू डाटा शीट देन काउंट हाउ मेनी टाइम्स टेंट सोल्ड लेस देन प्लांट रिजल्ट विल बी शोन इन सेल M2 इन द सेम शीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डाटा शीट, ये हमारी डाटा शीट है और हमको पता करना था, एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं, हमको पता करना है गो टू डाटा शीट देन काउंट, काउंट करना है हमको हाउ मेनी टाइम्स टेंट सोल्ड लेस देन प्लांट, टेंट सोल्ड लेस देन प्लांट, यानी कि ये हमारा आइटम का कॉलम यहाँ टेंट दिया हुआ है, हमको पता करना है कि ऐसे कितने टेंट हैं, जैसे ये टेंट है, ये टेंट है, आगे भी टेंट होंगे, हमको पता करना है ऐसे कितने टेंट हैं जिनका यूनिट सोल्ड प्लांट से कम है। ऐसे ही कुछ है, एक बार फिर से देखते हैं, यूनिट सोल्ड इज लेस देन प्लांट, यही तो लिखा है, हाँ सोल्ड लेस देन प्लांट। तो क्वेश्चन हमारा यही है कि इसमें से ऐसे कितने टेंट हैं जिनका यूनिट सोल्ड प्लांट से कम है, और ये हमको कैलकुलेट करके बेसिकली यहाँ बताना है। तो वैसे तो काउंट करने के लिए काउंटिव फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे आपको जब काउंट करना है तो हम सम प्रोडक्ट से काउंट करेंगे, इक्वल टू सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट में सबसे पहले एरे, यहाँ पे 2 ब्रैकेट ऑन करेंगे और एरे, एरे हमारा जो आइटम है बेसिकली ये टेंट, इसी कॉलम को ले लेंगे और ये हमारा आइटम हो गया इक्वल टू, हमारा आइटम है क्या बेसिकली, तो टेंट है, TENT और इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो सम प्रोडक्ट जो हमारा एरे है बेसिकली, जो हमारी पहली क्राइटेरिया है कि जो पूरे रेंज है उसमें से हमको टेंट को काउंट करना है। फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हैं, अब हमारी हमको क्राइटेरिया बतानी है, बीच में पहले इंटू का साइन देंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे, और हमारा क्राइटेरिया जो है, हमको क्राइटेरिया बेसिकली ये दिखाना है कि यूनिट सोल्ड, ऐसे कितने यूनिट सोल्ड हैं जो प्लांट से कम है। यानी यहाँ पे सबसे पहले यूनिट सोल्ड वाला कॉलम लेंगे और सबको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे लेस देन का साइन लगाएंगे, यूनिट सोल्ड लेस देन प्लांट, और प्लांट वाला कॉलम ले लेंगे, ये हमारा प्लांट वाला कॉलम है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि हमको ऐसे टेंट पता करने हैं जिनका यूनिट सोल्ड कम हो प्लांट से, अंत में दो बार ब्रैकेट क्लोज। तो ऐसे 31 टेंट हैं जिनका यूनिट सोल्ड प्लांट से कम है। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, हमारा क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।